50 years ago this week, three inmates managed to escape from Alcatraz prison, and it is one of the most enduring crime mysteries in U.S. history. Before Alcatraz closed in March of 1963, 36 prisoners tried to escape, but just five remain unaccounted for. उस जेल से कभी कोई नहीं भाग सका था। भागने की कुछ कोशिशें हुई जरूर थी, लेकिन सब नाकाम रही। एक सुनसान टापू पर बनी चारों तरफ से समुद्र से घिरी दुनिया की सबसे सख्त महफूज इस जेल का इतिहास तब बदला जब तीन कैदी चौंकाने वाली तरकीबें लड़ाकर आखिरकार भागने में कामयाब हुए। जांच के बाद तीनों को मरा हुआ मान लिया गया। फिर 50 साल बाद इनमें से एक मुर्दे के जिंदा होने के पक्के सबूत मिले तो जांच पर उठे सवालों से खलबली मच गई। कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच एक सुनसान टापू अल्केट्रेज, यहाँ बनी जेल को अमेरिका का काला पानी समझा जाता था और यहाँ बेहद दुर्दांत अपराधियों को सजा के लिए भेजा जाता था। इन्हीं कैदियों में वो चार कैदी भी थे जिनके इरादे खतरों से खेलने के थे। जॉन और क्लैरेंस नाम के एंग्लिन भाई के साथ दो कैदियों का दोस्ताना बड़ा और वो थे मॉरिस और एला। की कोठरियां आसपास थी, इसलिए ये चारों ज्यादातर वक्त जेल से भागने के तमाम रास्तों, साजिशों और तैयारियों पर बातचीत करते थे। इस साजिश को कामयाब करने के लिए कई तरह के साधनों के साथ ही खतरों से खेलने का हौसला चाहिए था, क्योंकि पहले जिन कैदियों ने भागने की कोशिश की थी उनमें से कुछ को गोली तक मार दी गई थी। मॉरिस फितरतन अपराधी था और वो पहले लुइसियाना की जेल से भाग चुका था। इस जेल यानी अल्केट्रेज में पहले भी कुछ वक्त कैदी रह चुका था, इसलिए इस जेल की बनावट से वाकिफ था। उसी ने बाकी तीनों को साथ लेकर भागने की साजिश का मास्टर प्लान तैयार किया था और इसको इस जेल से भागने के लिए असल में मदद चाहिए थी। वो अकेले भागने की साजिश नहीं रच सकता था। तब एंग्लिन भाइयों को उसने अपना साथी बनाया। एंग्लिन भाई बचपन से ही अच्छे तैराक रहे थे और अब तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही काबिलियत जेल से भागने में बड़ी मदद साबित होने वाली थी। एंग्लिन भाइयों ने नौजवानी से बैंक डकैती और लूट का धंधा शुरू किया था। कई बार जेल जाने और अटलांटा जेल से कई बार भागने की कोशिश करने के बाद दोनों को अल्केट्रेज जेल में भेज दिया गया था। यहाँ मॉरिस से मुलाकात हुई और वो भी पहले जेल से भागा था, इसलिए तीनों दोस्त हो गए। इस ग्रुप में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे भी आजाद होना था, लेकिन उसके पास उतना हौसला, कुशलता और तरकीब नहीं थी। एलो की कोठरी चूंकि पास ही थी, इसलिए उसे मॉरिस ने अपने साथ करना ठीक समझा, वरना वह खतरा साबित हो सकता था। अब चारों ने मिलकर पूरी योजना तैयार कर ली थी और भागने की योजना पर काम शुरू होना था। अल्केट्रेज में कैदियों से बेहद काम करवाया जाता था। सेना के लिए कपड़े, जूते और फर्नीचर बनाने जैसे कई काम कैदी करते थे। अल्केट्रेज जेल जहां बनी थी वो टापू कुदरती तौर पर खनिजों की खान था। कैदियों को इन खानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। इसी काम के लिए जेल के बाहर जाना वो मौका था। इन चारों को अपनी जरूरत की चीजें जुटाना थी, लेकिन गार्ड से बचकर किसी भी कैदी के किसी भी तरह के संदिग्ध बर्ताव पर गार्ड को गोली मारने के आदेश मिले हुए थे, इसलिए जोखिम बहुत था। साल 1962 में मॉरिस, एंग्लिन भाई और एलर जब ये योजना बना रहे थे, तब इस टापू पर इस जेल के लोगों के अलावा कोई नहीं था। सिर्फ 2-3 किलोमीटर का पथरीला इलाका और उसके बाद हर तरफ समुद्र। यहाँ से भागने की कोशिश करने का मतलब था जान का जोखिम उठाना। अगर कोई भी तरकीब फेल होती तो चारों को पता था कि उन्हें गोली मारी जा सकती थी, इसलिए एक फुटप्रूफ प्लान को सतर्कता के साथ अंजाम दिया जाना था। इंग्लिन भाइयों ने मुखौटे और पुतले बनाने का काम अपने हाथ में लिया। बाद में पकड़े न जाने के इंतजाम के लिए इन मुखौटों और पुतलों को दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई और कारीगरी के साथ तैयार किया। इसके लिए जेल में रोजाना कैदियों के जो बाल काटे जाते थे, बालों के उन्हीं गुच्छों को जुटाया गया। कागज और कुछ लकड़ियों की मदद से पुतले ऐसे तैयार किए जाने थे जो कुछ दूर से असल इंसान जैसे लगे। मॉरिस ने जेल में खराब पड़े वाद्य यंत्र अकॉर्डियन को सुधारने की बात कहकर उसे अपने कब्जे में लिया। साथ ही सबने मिलकर रेनकोट चुराने का काम में लिया था। और उस अकॉर्डियन की मदद से मॉरिस ने एक ऐसी नामनुमा चीज बनाने का जिम्मा लिया था जो हवा की मदद से पानी में तैर सके। एला का काम बाकी तीनों की मदद के लिए सामान जुटाने में मदद करना था। इनके साथ ही जेल से चम्मचों और बटर नाइफ जैसे बर्तन भी चुराए जाते रहे जो आगे काम आने थे। जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता था। ये पाइप हर बैरक की दीवारों से होकर गुजरते थे, इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमजोर हो चुका था। इसको जेल की ये बारीकियां पता थी, इसलिए उसने बाकी तीनों को अपनी अपनी कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद बनाने को कहा जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता होना था। चारों रोजाना 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चम्मचों जैसे बर्तनों से काफी मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम करते रहे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ अकॉर्डियन बजाता या उसमें थोक पीक का काम करता था ताकि पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाजें न आए। छेद इतना बड़ा बनाया जाना था कि उसमें से पूरा आदमी निकल सके। बैरकों के
पीछे जंगल जिम था और वो इन छेदों के जरिए उस जिम की छत पर निकल सकते थे और वहाँ से आसानी से भागा जा सकता था। मई 1962 में एंग्लिन भाइयों और मॉरिस के बैरिकों में छेद तैयार हो चुके थे। इन छेदों की मदद से मॉरिस और किसी एक एंग्लिन भाई के साथ बाहर की तरफ यानी जंगल जिम की छत पर निकलता और रेनकोट्स व अकॉर्डियन की मदद से वो खास बोट तैयार करता। इस बीच बाकी दो का काम ये होता था कि वो पहरेदारों पर नजर रखने के साथ ही छेदों को कायदे से ढांक कर रखें और कोठरी में इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह रख दें कि पहरेदारों की नजर पड़े तो उन्हें शक न हो। 1962 की वह रात आ गई जब चारों को भाग जाना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली चले जाने का फायदा भी चारों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चारों की सांसें हलक में अटक गईं। चारों को अपनी कोठरियों के छेदों से बाहर निकलना था, लेकिन टेलर अपनी कोठरी के छेद में अटक कर रह गया क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। दोस्तों, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। कुछ सेकंड्स हिलर की मदद करने के बाद तीनों की समझ में आ गया था कि हिलर का इस तरह छेद में अटक जाना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। सॉरी हिलर, तुम्हारी बदनसीबी के चक्कर में हम अब वापस नहीं लौट सकते। हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे और हमारी मदद ही करोगे। तीनों हिलर को छोड़कर आगे बढ़ गए थे क्योंकि तीनों को पता था कि जो नाव बनाई गई थी उस पर जितना कम वजन हो उतना अच्छा था। हिलर के मन में एक बार ख्याल आया कि वो चीख चिल्लाकर पहरेदारों को बुला ले और तीनों को भागने से रोक ले, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। खुश रहो दोस्तों, तुम्हें आजादी मुबारक हो। मेरी बदनसीबी कि मैं यहीं तक तुम्हारा साथ दे सका। तीनों जेल से भाग चुके थे और पहरेदारों से नजरें चुराने के बाद रात करीब 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे। उधर सुबह तक जेल के किसी पहरेदार या अफसर को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब एक गार्ड ने हिलर को एक छेद में फंसे और जूझते देखा, तब उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट किया। किसी तरह हिलर को उस छेद से निकाला गया और उसके बाद हिलर ने जेल प्रशासन की मदद करते हुए पूरी कहानी बयान की। फौरन बाद भागे हुए तीन कैदियों की तलाश शुरू हुई। जेल के आसपास और समुद्र में खोज के दौरान कुछ नहीं मिला। हैरानी इस बात की भी थी कि समुद्र के बेहद ठंडे पानी में कोई भी 20 मिनट से ज्यादा तैर नहीं सकता था। अफसर ये भी मान रहे थे कि जो नाव तीनों ने बनाई थी वो ज्यादा देर समुद्र में तैर नहीं सकती थी। काफी वक्त तक तलाश चली, लेकिन पानी में या टापू के किनारों पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। फिर नॉर्वे के एक जहाज में गुजरते हुए खाड़ी में एक लाश देखी और अल्कैट्रेस जेल को सूचित किया गया क्योंकि इस लाश के बदन पर जेल के ही कपड़े नजर आ रहे थे। लेकिन जहाज रोककर इस लाश की शिनाख्त करना नामुमकिन था, इसलिए लाश किसकी थी ये सवाल ही रह गया। FBI के पास था, सालों तक छानबीन चलती रही। जेल के किसी आदमी की मदद के बगैर इतनी बड़ी साजिश कैसे बन सकती थी? तीन कैदी भागे तो समुद्र में बचे कैसे और गए कहाँ? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो FBI के सामने हमेशा खड़े रहे। बहरहाल 15 सालों से लंबी जांच के बाद FBI ने 70 के दशक में ये केस ये कहकर बंद कर दिया कि वो तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर गए। सालों तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला और FBI के निष्कर्ष को सही मान लिया गया कि तीनों मर चुके थे। फिर 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिसमें दावा किया गया कि तीनों भागने में कामयाब हुए थे और तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी जी। इस दावे के बाद FBI के साथ ही कई विभागों में खलबली मच गई। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में अल्कैट्रेस जेल से भागे दो इंग्लैंड भाइयों के तीसरे भाई रॉबर्ट ने 2013 में मरते वक्त सच का खुलासा करते हुए बयान दिए थे, जिनमें उसने बताया था कि उसके दोनों भाई जिंदा थे और सालों से वह उनके संपर्क में था। क्या रॉबर्ट का बयान ही वो सबूत था जिससे यह मान लिया जाता कि तीनों जिंदा रहे थे? इस खुलासे के बाद जांच शुरू हुई। फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और मिनट में जॉन का पता तलाशा गया। फिर लंबे वक्त तक चली जांच के बाद कहा गया कि कोई सबूत इतना पुख्ता नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि यह चिट्ठी जॉन ने ही लिखी थी। सारी जांचों और तफ्तीशों के बावजूद आज तक एक केस अनसुलझा रहस्य है। सच क्या था और क्या है किसी को नहीं पता। जेल को 1963 में बंद कर दिया गया था और आखिरी वक्त तक जेल में गार्ड रहे जिम ने इस केस से जुड़ा बयान देते हुए साल 2018 में कहा कि उसे हमेशा लगता रहा और अब भी लगता है कि वो तीनों समुद्र में डूबकर मर गए होंगे। जिनके मुताबिक तीनों ने एक मौका बनाया जो कल्पना से परे था क्योंकि जेल में ऐसे मौके की गुंजाइश थी ही नहीं। इसके बावजूद अब तक एक सवाल है जिसका जवाब किसी को नहीं पता। वो सवाल ये है कि अगर वो चिट्ठी जॉन ने नहीं लिखी थी तो किसने और क्यों लिखी थी, और वो चिट्ठी लिखने वाले ने इतनी जानकारियां चिट्ठी में कैसे दी। इसे किसी का मजाक या झूठ समझा जा सकता है, लेकिन इस केस में मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस के जेल से भागने के बाद अगले 50 सालों तक उनसे जुड़ा कोई सूत्र न होना अमेरिका जैसे देश के सिस्टम और FBI जैसी जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा पर सवाल तो खड़े करता ही है। For watching it, please like, share and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.